चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहती हूँ। कल का मैं अपनी फ्रेंड के घर में गई थी और उनका जो मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में शेयर किया है कि उन्होंने घर से बिजनेस स्टार्ट किया था, अब उन्होंने अपना शॉप खोल लिया है रेडीमेड का। और बहुत टाइम के बाद मैं उनके यहाँ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी वो क्लिप शेयर करती हूँ। और मोस्टली लोगों को तो पता चल गया है कि उन्होंने अभी शॉप कर ली है, बट अगर जिन लोगों को नहीं पता है इन अर सिटी, तो प्लीज मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए वहाँ पे। और उनके प्राइस और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो तब तक आप देख के आइए। और मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज। जब तक आप वो क्लिप देखेंगे तब तक मैं अपने इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखती हूँ, तो जाइए देख कर आइए। वेरी हैप्पी टू सी दिस। मेरे को भी बहुत टाइम हो गया आ नहीं पाई, मैं शॉपिंग भी करनी है। अभी समर्स का कलेक्शन भी आ गया है ना? यस, समर का भी काफ़ी आ गया है, विंटर की भी इनकी काफ़ी सेल हुई है। और ये देखिए, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता चल गया है ना, मोस्टली लोगों को पता चल गया है। हाँ, कश्मीर है मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, और अब जिनको नहीं पता है वो भी मेरी वीडियो देख के ज़रूर आए, विज़िट करें। और नई कलेक्शन अभी और आएगी, बाहर भी लगे हुए हैं जो भी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। बाहर थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हमें शाम के आए हुए थे। और किसी दिन मैं आऊँगी शॉपिंग के लिए, फिर आपको और कलेक्शन दिखाएँगे। अभी जो सामने है वो ही आपको दिख रहा है, तो अच्छा लगता है कोई अच्छे से स्टेबल हो जाए। चलिए फिर चलते हैं। तो आप वो क्लिप देखकर आ गए हैं तो आपने एंजॉय किया होगा आई होप। और चलिए बस अब इस रेसिपी का स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये मेरी मॉम की रेसिपी है। और अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड को मेरी आईडी है मनप्रीत रैली के नाम से और मोंटी रैली के नाम से, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स। क्लियर गाइस, मिलाती हूँ आपको मॉम से। ये और आज मम्मी की बना रहे हो फैस? मैं मेट्रो डोनाडी पनीर बना रही हूँ। ये छोले शक्कर बनाऊंगी अपना शुगर करके। ओके, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाते हैं। जो मेथी दाना होता है उसकी पंजीरी है, और उसमें हम जो आटा डाल लेते हैं कई लोग, बट हम जो भुने हुए छोले होते हैं चने, उनको पीस कर उनका पाउडर बनाकर वो डालेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है शुगर और जोड़ों के दर्द के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इसमें डालेंगे। है गाइज इंग्रीडियंट्स, ये है मेथी दाना जो हमने पाउडर बना लिया है इसका, और इसमें मम्मी शक्कर यूज़ कर रहे हैं, चीनी भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है तो वो शक्कर ही यूज़ करेंगे। और ये है चने का पाउडर, और इसमें हमने बादाम भी पीस लिए थे। इसकी जगह आटा भी आप कटोरी यूज़ कर सकते हैं, बट मम्मी अपना यही डालेंगे, उन्हें ये पसंद है, और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बेसन का टेस्ट आएगा। और इधर डाल लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमने घी, देसी घी में बनाएंगे इसको। ये डाल दिया मम्मी ने अभी इसमें जो चने का पाउडर था और बादाम का पाउडर, ये मिक्स किया हुआ था। आप थोड़े कटिंग करके बादाम भी डाल सकते हो, बट मम्मी ने पीस लिया है सो वो ऐसे पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब इनको अच्छे से हम भून लेंगे, जैसे हम मोस्टली पंजीरी को भूनते हैं वैसे ही इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। सो मम्मी, फिर ये पंजीरी खाने दे नाल की फायदा हुंदा है? पंजीरी दा नाल शुगर नु भी आराम आंदा, ते जोड़ा नु दर्द नु भी फिर बच हुंदे आ, रोटी बंदे आ, ते वो भी बैक बोन दा भी जड़ा दर्द हुंदा, रीढ़ की हड्डी का जो गाइज आपको दर्द रहता है अगर लग दो। हाँ, बैक पेन जो अगर आपकी होती है तो
ये पंजीरी बेस्ट है, प्लीज एक बार जरूर ट्राई, हाँ जरूर ट्राई कीजिए। अब इसमें डाल दिया है मेथी दाने का पाउडर। अगर आपको ये थोड़े कड़वे लगते हैं तो आप पहले इसको फ्राई कर लीजिए घी में, बाद में आप आटा डालिए, बट मम्मी को कड़वा ही अच्छा लगता है सो उन्होंने बाद में डाला है। खुशबू स्ट्रांग है इसकी, खुशबू आने भी लगी। ये जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी चना भुना हुआ था, सो गैस अपनी देखकर जो आंच है वो ठीक रखिए, धीमी रखिए। ये वाली पंजीरी वैसे फायदेमंद है पर कड़वी बहुत होगी, सो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खानी है। मेरे को लगता है मैं नहीं खा सकती, मम्मी तो खा लेते हैं, मीठे दूध के साथ खा लीजिए, है ना मम्मी? कौड़ी लगूंगी, कौड़ी लगूंगी यार, ये ये देखिए कलर काफी चेंज हो गया है। अभी लास्ट में शुगर डालेंगे, शुगर या शक्कर, इसमें डालेंगे शक्कर। क्वांटिटी अपनी ज्यादा खाती है तो थोड़ा ज्यादा, कम खाती है तो कम डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी कलर देखिए इसका, जब हल्का घी निकलने लग जाए तो इसका कलर थोड़ा डार्क ही आएगा बिकॉज ऑफ मेथी दाना। ये होगी है हमारी रेडी पंजीरी। इसमें कुछ कुछ जो बादाम दिख रहे हैं वो साबुत ही रह गए हैं, अच्छे से पीसे नहीं गए, तो बस अब ठंडा हो जाएगा तो इसको आप सर्व कीजिए ठंडी ठंडी। कई लोग गर्म भी खा लेते हैं। ये था आज का इंग्रेडिएंट, ये बहुत ही फायदेमंद है, प्लीज आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। गाइज आज की ये रेसिपी थी, जो रेसिपी कम और एक नुस्खा ज़्यादा है पुराना, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और जिनके बैक में पेन रहता है, मोस्टली लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, सो प्लीज़ इस नुस्खे को, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपको। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। मम्मी ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया, सो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल्सो। बाय बाय।